मैनू बस थोड़ा ओपरा ओपरा जहा लग रहा, शायद मैनू थोड़ा जहा टाइम और चाहिए। अलाप वो गल नहीं है, अलाप तुसे रहन दे मल्हार जी, ओदा गुस्सा एदा शांत नहीं होना, मैं जानी। नहीं अलाप बेटा, रोंदे नहीं होंदे चंगे बच्चे। पापा तो मैनु प्यार ही नहीं करते। तनु किन्ने किया बेटा, किन्ने किया तनु प्यार नहीं करते? थोड़े पापा नु हाले तक यह भी नहीं पता सी के ओ थोड़े पापा जी ने तनु किन्नी बार ता मिलन आए ने, याद है? हो स्कूल दे फंक्शन च तनु मिलन आए सी, आए सी ना? पर हुन तो बोले नहीं मेरे नाल। समझी दा हुंदा, थोड़े पापा दी याददाश्त चली गई है, उन्होंने कुछ भी याद नहीं। तो फिर उन्होंने सानू कदे भी नहीं पहचानना? नहीं बेटा, पहचानना क्यों नहीं, थोड़ा भी हक बनता है कि थोड़ा पापा जी थोनू प्यार कर, ते ए हक उस बीमारी नू मैं थोड़े तो खोन नहीं देंगी। सॉरी अला, मैं माफ करते। हूं तू बिल्कुल उदास नहीं होना। तेनू तेरी मम्मी जी ने कहा ना, मैं बस थोड़ा जा टाइम दे, थोड़ा जा। हाँ जी पापा जी। हूं तो तू मेरे नाल गुस्से नहीं ना? नहीं पापा जी। वापस ते आ गया तानिया, पर तू देखिया ना कि साडे सारे ना किद्दां दा व्यवहार कर रहे, किसे नूं नहीं पहचान रहे, अपनी मां नूं नहीं पहचान रहे। थोड़ा सा टाइम दो ना, सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर। हाँ सही कह रही है तानिया, रब ने साडे उत्ते इन्नी मेहर कीती है, होर तरस नहीं करूंगा रब साडे उत्ते। मल्हार जी तुहानू सच्ची कुछ याद नहीं? नहीं, मैं तुहानू पहला भी दस्सा, मैनू धुंदलियां धुंदलियां कुछ तस्वीरां तां दिखदियां, पर उस तो बाद कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ कुछ साफ साफ दिसता ही नहीं है मैनू। कोई गल नहीं, मैं तो नहीं याद होऊंगी, बैठो इत्थे कि 7 साल पहला की होया सी, शायद तुहानू कुछ याद आ जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸੋਰਟ 'ਚ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, पहाड़ी तक पहुंचने तो पहले थोड़े नाल की होया सी, तुहानू कुछ याद है? तुसी मेरे पीछे पीछे क्यों आए से, उत्थे की कुछ होया सी, तुहानू कुछ याद है? तुसी प्लीज याद करन दी कोशिश करो, मेरे लिए नहीं सही, अपने पुत्त लाभ लिए, उहदे लिए तां कुछ याद करन दी कोशिश करो,
सोचो मल्हार जी की होया से उदों जो तुसीं मेरे पिछे पिछे आए से। मल्हार जी कुछ याद आया थानू? मल्हार जी, मल्हार जी तुसीं ठीक हो? मल्हार जी, मल्हार गीत बस कर पुत्र, मल्हार तू ठीक है ना? गीत इन्नी जल्दी इन्ना कुछ पूछने की क्या लोड़ है? तानिया हाँ जी, जा डॉक्टर ने फोन कर। हाँ जी मैं फोन कर रही हूँ। नहीं था तो रुक जा, मैं ठीक कर, डॉक्टर भी कोई लोड़ नहीं है, प्लीज। मल्हार जी तुसीं ठीक कहो, थोड़ी कोई गलती नहीं, मेरे नाल तो पहला भी कई बार रहता है, अजीब जी तुंदलियां जी यादा दिखती है, बस तो सिर दर्द शुरू हो जाती, पर फिर भी कुछ याद नहीं आता। मल्हार जी तुसे आराम करो, मैं माफ कर दियो, मैं तुम्हें तंग किया। हुणे हुणे तो हुआ सीगा, की लोड़ सी तैनूं इन्नियां गल्लां पुछण दी, क्यों कीती तूं निकाली? पापा जी मैनूं करनी पई गल अपने अलाप वास्ते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मल्हार जी की याददाश्त जाने तो बाद मेरे पुत अलाप का कोई हक मरे। ये कहो जी गल करती पी है गीत, किन्ने गल की अलाप का हक होने की, थोड़ा सबर तो कर लेंदी। मॉम तुसी क्यों गुस्सा हो रहे हो गीत भाभी से? उन्होंने दिल की गल समझ की भी कोशिश करो ना, उन्होंने भी उन्ना ही औखा टाइम है, उन्होंने भी फिक्र है मल्हार ब्रो का, पर अलाप का भी। इन्हें फिक्र करने की कादी लोड़ है, ये तो बस इदा चाहती है कि सारा कुछ उदा ही होवे जिदा ये चाहती है। इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए सोने का तगमा, पहला तो मल्हार नू वापस लियाउण वास्ते, ते हुण मल्हार दी याददाश्त वापस लियाओ, ते दूजा सोने का तगमा। क्यों गीत मैं सही कहा ना? तेनू बड़ी परेशानी हो रही है रॉकी, केड़ी गल? मल्हार जी वापस मुड़ आए, दुख लग रहा है इस गल का? मैं इस गलों क्यों दुखी हूं? दुखी होएगा भी क्यों नहीं, सिमोन दे नाल तो तू ही सी ना, उसे यही तो गल्ला कढ़वानी है मैं थोड़ी, तू तो मेरे नाल जा। गीत ए की कर रही, किथे लेके चली मैं, छड़ मैनू, मेरे नाल चल। गीत गीत गल तो की कर रही है तू? गीत पागल तो नहीं होगी तू, ए की कर रही है? रॉकी चल हुण अपना मुंह खोल फटाफट ते सच दस मैनू। रुक जा गीत। चल रॉकी सच दस मैनू हुण सारा कुछ। गीत गीत लग जू, सच सच दस, नहीं ते डंडा नहीं रुकेगा। गीत दरवाजा खोल, गीत भाभी खोलो, गीत दरवाजा खोल, गीत दरवाजा खोलो, गीत भाभी की कर रहे हो? ये तो सुनते नहीं पाई, की करती पी है? गीत बुहा खोलो, गीत तू सच बोलेगा कि नहीं तू दस दे, या डंडे नाल मुंह खोलेगा? ओ मेनू सच्ची कुछ नहीं पता। झूठ, तेनू सब पता है, सिमोन नू तो पता सी ना, ओनू तो पता सी ना कि मल्हार जी जिउंदे ने, ओने अगवा करके रखे सी मल्हार जी नू, ते मेनू पक्का यकीन है कि तू ही ओदे नाल सी। बोल, तेनू सब पता है रॉकी, सच दस, नहीं ते नहीं ते। गीत शांत हो जा, बुआ खोल पहले, अपन बैठ के गल कर दिया, तू कर बुआ तो खोल देना। रॉकी मैं तेनू आखिरी बार कह रही है, सच सच बोल, नहीं तो अगली बार डंडा नहीं रुकेगा। इन्ना चिर मल्हार जी मैनू नहीं हुई, सिर्फ सिमोन करके एक छोटा जा बच्चा अपने प्यो वास्ते रोंदा रहा, सिर्फ सिमोन करके, पर हुण और मैं अपने पुत नू रोन नहीं देंगी। सात सात दस रॉकी मैनू, सात सात दस। जीत शांत हो जा,
मल्हार ब्रो गीत भाभी रॉकी वीरे नू अंदर ले गई है ते तुहाडे बारे कुछ सच कहण नू कह रही है तक्के नाल ही पर किन्नी अदा तक्के नाल की होगा मैं अब देखता गीत हेलो हेलो मैं हॉस्पिटल तो बोल रही हूँ तुसी ते गीत जी इत्थे गुंजन नू मिलन आए सी ना हाँ जी आए सी ओ गीत जी फोन नहीं चक रहे ता मैं थानू फोन किता सी रिसेप्शन ते एंट्री वेले तुसी अपना नंबर लिखाया सी एक चंगी खबर है गुंजन नू होश आ गई है होश पर वो तो कोमा भी सी ना सी पर हुन आ गई है कोमा विच्चों बाहर बस गीत जी नू बुला रही है उन्हें गीत जी नू कुछ दसना है तुसी प्लीज उन्हां नू लेके छेती इत्थे आ जाओ गीत की दरवाजा खोलो ये मल्हार बार बार अपने मुंह मेरे गीत का नाम ले रहे हैं दिल तो करता कि इहदी जुबान होनी बंद करता हूं मैं तो दोवें पासों ही फस सकता उधर गुंजन ने सच दस दिया है पर पहला मैनू गीत नू रोकना ज्यादा जरूरी है गीत पागल हो गई है गीत ए सब की कर रही है तू गीत हस्पताल तो फोन आया सी ओ गुंजन होश आ गया ओ मल्हार दे बारे कुछ गल करना चाहती है गीत दरवाजा खोल गीत ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਮਲਹਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਪਰ ਗੀਤ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ फिलहाल मेरा अस्पताल जाना बहुत जरूरी है तो गुंजन नु मिलना बहुत जरूरी है मैं भी थोड़े नाल चलांगा अस्पताल सम्राट तैनू शर्म नहीं आती गीत दा हाथ मल्हार दे ते सारे घरदे दे सामने फड़दे होए एक ही बदतमीजी सम्राट मैं चलांगा मैं भी चलूंगा थोड़े नाल हॉस्पिटल नहीं कोई लोड़ नहीं है थानू मेरे नाल जाने की नाले मल्हार केड़ा गीत नू अपनी घरवाली समझता है ओहदे लई तां गीत हजे भी ओपरी है सम्राट ज्यादा ना बोलो मल्हार जी दी आदत वापस आवे या ना साडे रिश्ते च कोई असर नहीं पैण लगा ओहदे नाल सिर्फ कहने नाल नहीं होंदा गीत इहदे लई मनना भी पैंदा नाले मल्हार तां इह गल मनदा भी नहीं खबरदार खबरदार जी मेरे ते मल्हार जी बारे एक लफ्ज भी कड्या नहीं बोलदा पर मैं थोड़े नाल हॉस्पिटल जावांगा ही जावांगा नहीं छड़नी ना जिद कोई नहीं मेरी जिद भी देखो गीत 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 आ सम्राट नो कमरे च क्यों बंद कर रही है गीत मैनू इस वेले कुछ ना पुछदा दी मैं मैनू सिर्फ इन्ना पता है कि मेरे लिए वो नाम पता करना बहुत जरूरी है जिन्हें मल्हार जी नू मारन दी कोशिश कीती सी ते मेरे राह च जो भी आएगा ना ओहदा हशर ही होएगा मैं इस वेले किसी उत्ते भरोसा नहीं कर सकती अपने तो अलावा ये तो चंगा नहीं किता गीत चंगा नहीं किता उदा तो वो सम्राट सानू किसी नू पसंद नहीं पर एक गल पल्ले नहीं पई भाजी गीत ने सम्राट नू कमरे च बंद क्यों किता हाँ
ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਰੂਬੀ ਗੀਤ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਸਮਰਾਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੀਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੇਲ ਹੈ ਡੈਮਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਮਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਬਰ ਜੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹਾਂ ਉਹੀ ਖਬਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਗਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐ ਰਹੇ ਪੇਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਹਾਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੋੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੁਕੋ ਉਹ ਗੁੰਜਨ ਗੁੰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁੰਜਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਲਿਓ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਸੌਰੀ ਗੁੰਜਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ